Happy? Happy? Yes. Yes. Good. Good. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। दोस्तों, नए दिन की नई शुरुआत के साथ मैं तन्नु करके आप सभी लोग का एक बार फिर से अपने ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे और कुशल होंगे और मस्त होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत और है आँख में, लेकिन अब पहले से काफ़ी बेटर है, काफ़ी सही है। और मैं आज काफ़ी दिनों के बाद आप लोग के बीच अपना ब्लॉग लेके आ रही हूँ, और मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फिर से अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ, फिर से आप लोग के बीच अपना ब्लॉग लेके आ रही हूँ। और सुबह के हो रहे हैं अभी 7:30 हो रहे हैं, अभी 7 बजे खुशी इसको और खुशी स्कूल जा चुकी है। 7 बजे चली गई थी खुशी, और अभी टाइम हो रहा है 7:30। चाय हमने पी ली है, अब इनके ऑफिस की तैयारी करती हूँ, मतलब इनके लिए लंच और अभी ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ। और उसके बाद आज हम अपना नाश्ता फिर बाद में बनाएंगे, क्योंकि इनकी थोड़ी तबीयत अभी ठीक नहीं है, तो इनके लिए अभी हल्का फुल्का बनाएंगे, बस हो गया। और तो बने रहिए आप मेरे ब्लॉग के साथ, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो खुशी स्कूल से आ चुकी है। खुशी हाय करो। हाय। अच्छा, कैसा लगा स्कूल में? अच्छा। अच्छा लगा? क्या किया? हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। और गुड आफ्टरनून इसलिए क्योंकि मुझे अपना ब्लॉग कंटिन्यू करने का टाइम नहीं मिल पाया। जैसे हमारा किचन का काम निपटा, मतलब नाश्ता वगैरह किया और मैं रूम पर आई, फ़ोन देखा तो फ़ोन पर मेरी दीदी की मिस कॉल हो रखी थी, 2-3 मिस कॉल। तो मैंने पहले दीदी को कॉल किया, और दीदी से बात करते करते टाइम कहाँ को निकला पता नहीं चला, और इतनी देर हो गई करके भी पता नहीं चला। तो उसके बाद फिर खुशी का आने का टाइम हो चुका था, क्योंकि दीदी से बात करते करते मतलब 2 से 1.5 से 2 घंटा मैक्सिमम हो ही गया था। तो फिर उसके बाद मुझे फिर अपना ब्लॉग कंटिन्यू करने का टाइम ही नहीं मिल पाया। और अभी खुशी भी आ चुकी है, खाना खा लिया उसने और वो सो गई है। और लंच में भी मैंने उसके लिए जल्दी जल्दी पराठा ही बनाया, क्योंकि इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं उसके लिए कुछ दाल चावल वगैरह बनाऊँ, क्योंकि 5 या 10 मिनट में खुशी आने वाली थी उसके बाद। और अभी खुशी अपना लंच करके सो गई, और उसके उसे आलू के पराठे बहुत पसंद है, और उसके बाद बोल रही थी कि मम्मा यही आलू के पराठे आप मेरे लंच में भी बनाना स्कूल के लंच बॉक्स के लिए। तो अभी अब खुशी सो गई है, और थोड़ी देर हम लोग भी रेस्ट करते हैं, और उसके बाद मिलते हैं आपको। ओके। और आज अंशु, अंशु के पापा, अंशु की मम्मी एक साथ। हेलो अंशु। अंशु कहाँ घूमने जा रहे हैं? हेलो। तो हम सो के उठ चुके हैं, और अंशु भी अपनी मम्मी पापा के साथ अपनी नानी के यहाँ गया, मतलब वो भैया अपनी मामी के यहाँ गए हैं। तो गज्जू और अंशु भी गए हैं। और ये देखो दोस्तों, कितना सुंदर लग रहा है ना, ये हमारी लौकी, उसके पीछे अमरूद, और उसके पीछे आम का पेड़। और वो आम का पेड़ चाची लोग का है बगल में। और खाना खा के हम सो गए थे, खुशी को ये साथ साथ फिर मैं भी सो गई थी थोड़ी देर। और अभी जब उठे उसके बाद थोड़ी देर तक ऐसे रहे, और अभी मौसम देखिए फिर से बारिश आने का हो रहा है। वो पीछे से देखो सब ऐसा दिख रहा है वो। और अब लग रही है फिर से भूख, क्योंकि आज दिन में हमने कुछ खाया नहीं था, सुबह नाश्ता भी हमने देर से किया था, तो दिन में भूख नहीं लगी, और अभी उठने के बाद लग रही है भूख। तो हम चाय बनाते हैं और कुछ बिस्किट वगैरह खाते हैं। आज हम पियेंगे तुलसी वाली चाय, दूध लेके आ गए ये हम। चाची के यहीं से दूध लेते हैं, और चाची के यहाँ से दूध बहुत अच्छा आता है, और जब से हम यहाँ आए हैं तब से हम चाची के यहीं का दूध लेते हैं। हेलो गोलू से। हेलो। ओ ओ, गोलू को तो अभी भी नींद आ रहा है। तो हमारे गोलू भी उठ चुके हैं, हमने चाय पी ली है। गोलू हेलो करो, ऐसे करो, हेलो हेलो। और ले मेरा बच्चा चीटू चीटू। तो दोस्तों, मैं आज से अपने ब्लॉग फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ, और इतने दिनों तक मैं ब्लॉग बना भी नहीं पाई, बहुत दिन हो चुके हैं, शायद 1 हफ्ता पूरा हो ही चुका है, क्योंकि मेरी आँख में दिक्कत थी, आई फ्लू हो गया था, और अब काफ़ी ठीक है।
और ये देखो आज बहुत दिनों के बाद गोलू भी ब्लॉग में आ रहा है, तो गोलू काफ़ी खुश है ना। गोलू हैप्पी 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 यस गुड। यहाँ पे प्यार करो मम्मा को। थैंक यू। और ये हमारा गोलू है, इसको भी वीडियो में आना बहुत पसंद है। और हमारे घर पे आई है घुघुती, देखो छत पे वो दिख रही होगी, ये उड़ गई। दोस्तों ब्लॉग बनाने से ना क्या कहते हैं बहुत अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि फिर से ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से ये होता है कि फालतू की टेंशन भी नहीं रहती है, कि मतलब होता है ना कि कभी कभार के कई सारी टेंशन होती हैं, तो उस चीज़ के बारे में हम कम सोचते हैं और अपने ब्लॉग पे हम ध्यान देते हैं कि हाँ हमें आगे क्या शूट करना है, हमें अपना डेली ब्लॉग मतलब लोगों के सामने लाना है ताकि लोग पसंद करें। और अब चलते हैं नीचे, क्योंकि अब बारिश थोड़ी तेज़ हो रही है, और अब गोलू और खुशी को दूध दूध पिलाते हैं, उसके बाद खुशी को थोड़ा होमवर्क वगैरह करा देते हैं टाइम से, क्योंकि कल शाम इतनी देर हो गई थी होमवर्क करने में। खुशी को मैंने 10 बजे खाना खिलाया कल रात, और मैंने भी खुद 10 बजे खाया। वैसे तो कल संडे है, फिर कल हम जाएंगे घूमने अगर मौसम सही रहा तो। और वैसे तो मैं ऐसा ही कहती हूँ, वैसे तो भगवान करे कि कल मौसम सही रहे, क्योंकि कल बच्चों को हमने ले जाना है नुमाइश, और खुशी काफ़ी टाइम से नुमाइश नुमाइश बोल रही है, तो नुमाइश जाना है उशी। और खुशी गोलू भी कह रहा है उशी, कौन गोलू? खुशी दीदी कहाँ आ जाओ, कहाँ चलो। तो गोलू बुला रहा है, अब हम चलते हैं नीचे। हेलो, और शाम के अभी 6:30 हो रहे हैं, और हम लोग का अचानक प्लान बन गया कि हम बाहर जाते हैं। बाहर क्या ऐसे ही थोड़ा किचन का सामान लेने जा रहे हैं, और फिर किचन का सामान लेके आते हैं, और साथ में बच्चों को भी ले आए। खुशी गोलू गर्वित हेलो। और यहाँ की रोड इतनी खराब हो रखी है कि ये खुशी का फेवरेट रेस्टोरेंट है। और अब हम यहाँ क्या खाएंगे, क्या खाएंगे? चाउमीन। ये और अब हम वापस हो रहे हैं घर की तरफ, और अब हम पहुंच चुके हैं सुरभि मॉल।
लोगों ने देखा गोलू आज अनकंट्रोल हो गया, बिल्कुल ऐसे भागे जा रहा था, मेरी सांस भी फूल गई। बस इसको लग रहा था कि ट्रॉली घूमने के लिए है और घुमानी है, बस दौड़ानी है ना, अच्छे से शॉपिंग करने दी, थोड़ा किचन का सामान जितना हमें ज़रूरी लगा हमने ले लिया, थोड़ी बहुत चीज़ें अभी भूल गए, अभी याद आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। और बच्चा देखो इतना शैतान हो रहा है ये, तो अभी अब हम चलते हैं घर को, और देर भी हो गई है, अंधेरा हो गया है पूरा। हेलो दोस्तों, तो हमारा डिनर हो चुका है, और जब हम बाहर से आए घर पे पहुँचे तो काफ़ी देर हो चुकी थी, काफ़ी देर क्या करीबन 7:45 हो रहा था। तो फिर घर आके फटाफट से खाना वाना बनाया हमने, और अभी अब खाना खा पी कर और किचन का काम निपटा के अब बच्चों को सुला रहे हैं। ये गोलू अपनी नाइट ड्रिंक ले रहा है, और आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और आज दिन भर जो भी किया तो मैंने आपके साथ शेयर किया, आप लोग को कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे सपोर्ट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो दोस्तों मैं अपने ब्लॉग को आज यहीं पर समाप्त करते हुए आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।